जय शंकर, आप सबको गुरुकुल में स्वागत है। मैं हूँ आचार्य बापू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक एंड वीडियो पर कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आपको खुश रखे, हमेशा आप खुश रहें, आपके परिवार सब खुश रहे, ठीक है। अभी थोड़ा व्यस्त चल रहा है, आप तो जानते हैं, सभी नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और मेरे को कुछ दूसरा भी काम रहता है, तो इसलिए मैं आपका जो मेल में थोड़ा रिप्लाई दे रहा हूँ, लेकिन जिसका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए मैं 2-4-5 मिनट का वीडियो बना दे रहा हूँ कि उसको उनका आंसर उनको मिल जाए। तो एक साधक भाई का क्वेश्चन ये था कि लास्ट में जो मैंने नवारण मंत्र का साधना बताया, मतलब महावैष्णो देवी का साधना बताया कि 9 दिन का साधना है, तो उनके पास समय अभाव है, वो थोड़ा लेट नाइट आते हैं, तो ये साधना उनको करने में थोड़ा दिक्कत होगा रात को। वो पूछ रहे हैं कि क्या वो सुबह कर सकते हैं और क्या 51 माला कर सकते हैं। आपका जो प्रश्न का ये उत्तर है, आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी साधना सबसे पावरफुल होता है, सबसे पावरफुल होता है, लेकिन देवी का साधना शाम को टाइम इसलिए बताया जाता है कि उसमें आपको अनुभव थोड़ा ज़्यादा रहता है, और जो है देवी के जो तत्व है, सारे तत्व आपको बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे महसूस। ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में करने से कोई लाभ नहीं होगा, बहुत लाभ होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आपका देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में जब आप करते हैं तो आपका जो है साइंटिफिकली आपका मन भी शांत रहता है, और आप उठ के आराम से कर सकते हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप 4 बजे उठ जाएँ, 4:30 बजे तक आप रेडी हो जाएं, अगले दिन ही आप जो है पूजा के सामान जो भी है आप रेडी करके रखिए। तो 4:30 बजे से कम आपको अगर 51 माला कर रहे हैं तो आपको 6 बजे तक हो जाना चाहिए, ठीक है। उसमें आप देवी कवच पाठ करते हैं तो देवी कवच पाठ कीजिए, और रात्रि सूक्त की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रात्रि सूक्त ऐसे तो देखा जाए तो सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक वो रात्रि होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, उसमें आप देवी को प्रार्थना करके शुरू कर सकते हैं कि माँ ऐसा मैं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत अच्छा होता अगर आप इसका जो कम से कम आप काउंट करके जो 90,000 तक जाप करते, मतलब 51 माला करेंगे 9 दिन, तो 90,000 नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा 2-3-4 दिन एक्सटेंड करके उसको 10वें दिन चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसको एक दिन का पर डे 10,000 के हिसाब से अगर आप 9 दिन में इसको 90,000 दिया गया था, ठीक है, अगर उसको आप आगे एक्सटेंड करके कुछ दिन उसको 90,000 तक पहुँचा के अगर लास्ट दिन आप उसको जो हवन दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसका जो है एक लघु अनुष्ठान हो रहा है, मतलब आप जो आधा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डेली 51 माला करके 9 दिन तक कीजिए, और दशमी का दिन आप तो छुट्टी रहेगा, दशमी दशहरा का दिन, तो उसी दिन आप आराम से बैठ के हवन कीजिएगा। तो हवन आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, हवन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हवन जो करना है आपको, अगर आप 1008 आहुति देना चाहते हैं, ठीक है, 1008 आहुति देना चाहते हैं, तो शुद्ध देसी घी से आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, ठीक है, शुद्ध देसी घी से आपको माला पकड़ के जो मंत्र है, ठीक है, नवान मंत्र बोले स्वाहा करके, है ना, ठीक है, स्वाहा करके आप एक एक करके आहुति दीजिए। अगर आप 1008 देने में समर्थ नहीं है, आपके पास समय अभाव है और जो भी है उसका कारण, आप क्या कर सकते हैं ना कि आप 108 बेलपत्र कहीं से भी जुगाड़ कीजिए, 108 बेलपत्र उसे अगले दिन ही उसको तोड़ दीजिए, मतलब उसे पहले दिन तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद उसको रख दीजिए, रखने के बाद उसको क्या कीजिएगा, 108 बेलपत्र आप थोड़ा घी में जो है घी का पात्र रखिए, और दूसरे में आप जो हवन का जो डालते हैं आपका जो सुरुआ बोलते हैं उसमें, या आप अगर चम्मच वगैरह यूज करते हो, कोई भी यूज करते हो, उसमें एक दूसरा पात्र रखिए। एक पात्र में आप क्या करेंगे कि आप जो है जो एक बेलपत्र घी में डुबा के उसको आग के ऊपर छोड़ दीजिए, और माता का जो मंत्र करिए, ठीक है, चामुंडाई विचे स्वाहा करके, फिर पूरा मंत्र है, ठीक है, इसको बोलने का आदेश नहीं है मुझे, पूरा मंत्र है क्योंकि मैं साधना दे रहा हूँ, तो ये स्वाहा करके आप एक बेलपत्र छोड़ दीजिए और उसका ऊपर थोड़ा चम्मच से घी टपका दीजिए। ऐसे करेंगे तो आपको 108 बेलपत्र में देना पड़ेगा, उसके लिए आपको 1008 देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत बहुत बड़ा विधान है, ये कोई सामान्य विधान नहीं है, हालांकि लग सकता है बहुत सारे लोगों को कि एक्चुअली इतना 9 दिन में क्या हो जाएगा, लोग बहुत बहुत साधना कर रहे हैं। देखिए मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सारे चीज़ पता है और मैं सारे चीज़ का ज्ञाता हूँ, क्योंकि ये चैनल्स करने के बाद अभी
15-20 दिन या एक महीना हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे बहुत सारे चीज़ आप लोगों से सीखने के लिए मिला है। क्योंकि जो आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं उस विषय में जितना मुझे ज्ञान है वो मैं देखता हूँ, बाकी जितना ज्ञान नहीं है वो मेरे से जो बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ डिस्कशन करता हूँ, डिस्कशन करने के बाद बताता हूँ। क्योंकि कोई जो जब तक जिस दिन मैं ये समझ लूँगा कि मुझे पूरा सब कुछ ज्ञान है, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, ठीक है। तो ये बात मुझे सोचना नहीं, मैं पहले से भी बता दिया हूँ कि क्योंकि मैं साधना कर रहा हूँ, साधना में तो था बहुत साल से, लेकिन 3-4 साल पहले ऐसे लोगों से मिलते लोगों से बात करके ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो देखिए, अगर आप भक्ति भाव है, ये साधना इसलिए बताया गया है कि जो इंसान सात्विक भोजन करता है, सात्विक रहता है और देवी देवता में पूजा कर, और सबसे बेहतरीन होगा जो लोग विष्णु की उपासना करते हैं, विष्णु बाबा का जो विष्णु लक्ष्मी नारायण का जो सेवा करते हैं, विष्णु देव की सेवा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं, जो स्वरूप तो अलग है लेकिन एक ही तो तत्व है ना, तो श्री कृष्ण भगवान का सेवा करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा ही होगा। उनको 51 माला में ही उनको डेली 9 दिन में फ़र्क दिख जाएगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको जितना बोल रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा मैं आपसे सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना आई एम ए गुड स्पीकर एंड आई एम ए गुड लिसनर ऑल्सो, मैं सुनता हूँ, आप सभी को सुनता हूँ, आप जो बोलते हैं मुझे बहुत सुनता हूँ कि जो मेल आता है मैं उसको देखता हूँ, समझता हूँ, और उसी को मैं पढ़ाई करता हूँ कि किस तरह से और भी इस चीज़ को आगे ला जा सके, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेल करके पूछ सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। हालांकि मैं फ़ोन सर्विस इसीलिए ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ क्वेश्चन होता है तो अनुभूति होता है, फ़ोन उठा के बोलते ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं है। मेरे कुछ मित्र हैं उनको नंबर शेयर किया था लेकिन वो लोग शुरू कर दिए, ऐसा हो रहा है। देखिए थोड़ा अनुभूति, 1000 वीडियो पड़ा है कि साधना में अनुभूति कैसे, वो पूछते रहते हैं साधना में मुझे उबासी आया, साधना में मुझे आई फील वर्फ, साधना करने के बाद मुझे बेल्चिंग हुआ, बर्फिंग हुआ, कुछ खाया था मुंह से पानी निकल आए। अरे भाई आपको एसिडिटी हुआ होगा, इसका मतलब नहीं है कि आप साधना करने के बाद आपको बार बार बेल्चिंग, किसी को खट्टा ढकारा आ रहा है साधना में बैठा है, उससे पहले उसने कुछ खा लिया होगा तो उसको उसका पेट भरा है, पानी पी लिया होगा साधना बैठने से पहले, तो कुछ मंत्र किया तो जब उसको मंत्र ध्वनि होता है तो अपने मुंह से भी निकलता है कुछ तो हुआ होगा, तो इसलिए उसको बेल्चिंग हुआ। उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा गलती वगैरह, लोग पूछते हैं कि अरे मुझे 2-3 बार बेल्चिंग हो गया, मेरे मुँह से ऐसे खट्टा ढकार आ गया तो साधना विफल हो गया, ये कैसी बात है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप अच्छी तरह से जान लीजिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, आप ब्रह्म मुहूर्त में जो भाई पूछे थे बहुत अच्छे इंसान है वो, क्योंकि वो करना चाहते हैं इसलिए अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन जो पूछा कि आप रात दिन में ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे, हाँ इस चीज़ को मुझे बता देना चाहिए था, अगले टाइम मैं ध्यान रखूँगा। तो देखिए कितना मेरा डाउट, मेरा भी कितना क्लियर हुआ इसमें कंसेप्ट कि हाँ भाई इसको भी मुझे बोलना चाहिए था कि सुबह आप ज़रूर कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है, उसमें साइंटिफिकली आपका ब्रेन भी शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है, कूल रहता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, 90,000 का विधान है, ठीक है। आप अगर उसी दिन से कैलकुलेशन करके 51 माला करके अगर आप 90,000 से ज़्यादा कर लेते हैं, मतलब 93,000 ऐसे करके पहुंचा के उसे अगले दिन हवन कर लेते तो बहुत अच्छा होता। अगर आपके पास समय नहीं है, मतलब आपको ये करना चाहते हैं, आप दशहरा दिन का उसका लघु अनुष्ठान हो रहा है उसी दिन भी आप उसको जो हवन दे सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी अगर और एक मैं किसी को बोलता नहीं हूँ क्योंकि किसी के पास अवेलेबल होगा नहीं होगा, अगर लास्ट जो दिन है उसमें तो जैसे मैंने बोला है कि आप हवन करने के बाद एक अनार का भोग चढ़ाइए माता को और मीठा पेड़ा वगैरह चढ़ाए, और उसी दिन अगर आपको कहीं से कमल का फूल मिल जाए और माता रानी के पैरों के नीचे आप कमल का फूल दे दो तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि वो श्री रामचंद्र का भी उपासना जो है, शारद दुर्गा पूजा श्री रामचंद्र का उपासना है, और इसको समझने में देखिए बहुत लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उनको कुछ क्वेश्चन किसी से सुनते हैं और पूछते हैं, तो इसलिए आप समझ लीजिए आपका डायरेक्ट आंसर है आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, 51 माला कर सकते हैं, हवन देने का तरीका यही है। अगर आप शुद्ध देश कुछ भी नहीं मिलाना है, जो बोला हूँ वही करिए, कुछ भी ऐसे आप क्या है हवन सामग्री के नाम पर ऐसे आज घास फूस बेच रहे हैं लोग है? कोई भी देख कोई भी उठा के देख, उस दिन में हवन करने के लिए कोई आए थे, उनके साथ जब हवन कर रहा था देखा कि जो है लकड़ी काटने के बाद चीरने के बाद जो उसका डस्ट रहता है उसी डस्ट को डाल दिया हवन सामग्री में, क्या है ये,
तो ऐसा क्या चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद बना सकते हैं हवन सामग्री अलग बात है, इसने में उसी अभी दूसरा बहुत सारे वीडियो पड़ा है कि आप ऐसा ये सारे चीज़ बनाओ, साकल्य बनाओ, ये सभी को पता है, जो साधक बंधु है उनको पता है, आप एडिशनल ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से शुद्ध गाय का घी, देसी गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, आप उसको कर सकते हैं। और उसको शुद्ध देसी घी से देना है तो आपको 1008 बार देना है। अगर देसी घी में आप नहीं दे सकते, इतना बड़ा हवन नहीं कर सकते, तो आप आराम से 108 बेलपत्र घी में डुबाइए, ये आग के ऊपर एक मंत्र करके सुहा बोल के एक बेलपत्र छोड़िए, उसके बाद थोड़ा सा घी डाल दिए। लास्ट में क्या करना है आपको, एक जटा वाला नारियल का ऊपर थोड़ा सा मोली या थोड़ा सा लाल कपड़ा उसको बांध दीजिए, ठीक है। और उसी नारियल को आप अपना थोड़ा सर में ऐसे ये करके, मन में ये करके आप उसी को ये करना है, ठीक है, कि आग के ऊपर छोड़ देना है, पुण्याहुति हवन है, ठीक है। वह छोड़ने के बाद आप थोड़ा उसी, आपको सारे देवा देवी को प्रणाम कीजिए कि ये भोग स्वीकार कीजिए, और जिनको जिनको आह्वान किया था आप स्वस्थान गच्छ कीजिए, स्वस्थान जे स्वस्थान गच्छ करके आप बोल सकते हैं, आप वो स्वस्थान अपने अपने स्थान पे जाएंगे। वो उसके बाद उसका ऊपर थोड़ा कच्चा दूध से, वो हवन का जो ये है उसको थोड़ा कच्चा दूध से उनको हवन का को शांत कीजिए, हवन को आग को थोड़ा ये कर दीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद हवन आपका पूरा हो गया। और देखिए ये बात है कि इसको करने के बाद, ठीक है, जो ब्रह्म मुहूर्त में करने से आपका अंदर माँ सरस्वती और महालक्ष्मी का तत्व थोड़ा ज़्यादा आएगा, और आपका वाणी में एक अद्भुत प्रकार का आकर्षण होगा। और आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाक सिद्धि हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन आपका बात फलित होगा, ठीक है, धीरे धीरे फलित होने लगेगा, तो आपका बात फलित होगा और महालक्ष्मी का भी तत्व आएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो महालक्ष्मी महासरस्वती का तत्व बहुत आप में है, क्योंकि देखिए माँ वैष्णो देवी जो हैं, तीन तत्व है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जो महावैष्णवी। आप ये साधना इसलिए बताया गया है कि जो लोग पहले से साधना करते हैं, जिनका अंदर जो साधना करते हैं ऑब्वियसली उसका अंदर भक्ति है। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई साधना कर रहा है कोई अपना दिखाने के लिए कि हाँ मैं साधना कर रहा हूँ और ऐसा ऐसा है, ये साधना करने से ऐसा होता है वैसा है, तो कुछ दूसरे को दिखा रहा है तो अलग बात है, लेकिन जो भक्ति भाव से साधना कर रहा है तो ये साधना में बहुत कुछ मिल सकता है। देखिए साल भर कोई पूजा करे या ना करे, ठीक है, साल में कोई पूजा करे या ना करे, नवरात्रि में तो पूजा करेगा ही, क्योंकि उसको तो पाना ही है, सबको मन में ये चढ़ाई थी नवरात्रि के मध्य में कुछ करूँगा तो मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा किसका किसका क्या सोचना है इसका ऊपर चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसका अंदर भक्ति है वो ये साधना को करे, जिसका अंदर भक्ति नहीं है साधना को मत करे, ठीक है। आगे मैं एक बताने वाला हूँ आपको, एक ऐसा कवच है ना, एक साल तक आपका रक्षा करेगा, एक ऐसा कवच, ठीक है, वो कवच बहुत शक्तिशाली है, मतलब एक धागा है लेकिन इतना शक्तिशाली है, मैं आपको बताऊंगा उसका एक अनुभव कि क्या 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 हो सकता है उस धागे से। लेकिन जो मेरे बात को ध्यान रखिएगा कि आप श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है तो ये साधना को कीजिए, अगर श्रद्धा भक्ति विश्वास नहीं है तो ये साधना को मत कीजिए। क्योंकि लोग अक्सर यही सोचते होंगे कि ये अभी आगे मेरे पास 40 या 50 प्रयोग है माता वैष्णो देवी का, ठीक है, लेकिन आपको पता है आज तक माँ का डोरी मुझे अभी तक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं, मेरे स्वास्थ्य का दिक्कत था, या घर का ऐसा है कि मेरे से बहुत दूर है, कि जो भी है माँ का बुलावा नहीं आया। लेकिन ज़िंदगी में जब तक जिंदा हूँ कभी ना कभी तो बुलावा आएगा और मैं जा सकता हूँ, कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है पास में है मैं चला गया, ऐसा है बहुत दूर है। लेकिन जब मैं दुखी होता हूँ माता मुझे खुद बताती है कि तेरे पास में हूँ, तो क्यों इतना आने को, तो जो जिनकी मैं सेवा करता हूँ वो भी है, उनका जो मंदिर है वो भी माता वैष्णवी का स्वरूप का मंदिर है, तो उनमें भी महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी है, तो वो बोले कि तू तो जहाँ पूजा कर रहा है उधर भी मैं हूँ, तो क्या क्या है तेरे अंदर की इतना दुख क्यों है कि ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, देखिए मेरे अंदर भक्ति है लेकिन मेरे पास इतना समर्थ नहीं है, हो सकता है मैं अपना जो पिता माता का सेवा कर रहा हूँ मेरे पास एक दिन का टाइम भी नहीं है कि कहीं दूर जाके कुछ कर सकूँ, तो इसलिए अपना घर को देखभाल करना रहता है, तो इसमें तो कोई ये वाली बात नहीं है ना, तो इसलिए भक्ति भावना है। तो आप कीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, कोई बड़ा चमत्कार सोच रहे हैं आप, अगर ये मैंने आपको क्या बोला कि ये साधना करने के बाद आपका ऊपर कोई अभिचार कर्म कर रहा है तो विचार कर्म तो कट जाएगा, इसलिए मैंने 90,000 का बताया था, ठीक है। और आपके पास कोई अभिचार कर्मिक नहीं है
फिर भी आपको सुरक्षा करेगा, ठीक है। बहुत बड़ा ये साल भर का जो सुरक्षा है, इतना बड़ा सुरक्षा है आप कर, कोई आप करेंगे तो पता चल जाएगा। मैं भी करूँगा ना, ऐसा नहीं कि मैं खाली कोई लेखा जोखा बोलता, जो बहुत पहले से एक्सपीरियंस है, इसको बहुत बार मैं कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मुझे जानता हूँ कि मैं जानता हूँ किस तरह से इस चीज़ को क्या जाता है। तो इसका जो है आपका, मुझे लगता है आपका सारे जो है सवाल था उसका सही तरह से उसका जवाब दिया है। फिर भी आप में अगर कोई बाकी है, आपको कुछ जानना है कुछ विषय के बारे में, आप मेल कर सकते हैं। मैं नवरात्रि तो शुरू हुआ नहीं, शुरू होने के बाद थोड़ा व्यस्त रहूँगा, फिर भी मैं देख के मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। और ये थोड़ा अनुभव मुझे बताइएगा, है ना, मुझे बताइएगा। आप ऐसा करके मत रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आप मुझे मेल में बताइए, क्योंकि मैं अभी बोलूँगा तो बहुत सारे लोग बुरा मान लेंगे कि देखिए अनुभव जो है, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, लेकिन एक तरह से एक गुरु टाइप का ही आपको बोल रहा हूँ। गुरु नहीं हो, गुरु गुरु का पात्रता बहुत ऊपर होता है। किसी का भी कोई भी गुरु हो, चाहे वो नेट में हो, चाहे सच में हो, रास्ते में हो, ऐसा में कोई भी गुरु हो, गुरु महान होता है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। इसलिए मैं किसी गुरु को कुछ बोलने का औकात मेरा नहीं है, तो इसलिए मैं एक बात बोलता हूँ, जिस दिन आ जाएगा गुरु, जिस दिन क्षमता होगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुभूत साधना है, मैं आपको प्रेरणा कर रहा हूँ, आप साधना कीजिए, करने के बाद आपका एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिए, ठीक है। और आप ये मत बोलिएगा कि मुझे वीडियो बना के दिखाने के लिए, क्योंकि कोई आप हो सकता है आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं सभी को, क्योंकि प्रेरणा मिले कि इससे साधना क्या होता है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि इट इज़ नॉट गुड कि आप जो पहली बार एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा हुआ कि आपको कुछ खाने के लिए मिला और उसको पचा नहीं पाए, सारे दुनिया को बोल रहे, बाद में आपका स्तर जब ऊपर उड़ जाएगा, आप चाहते हैं, देखिए माँ आपको निर्देश दे देंगी कि आपको किसको बोलना है, क्या करना है। ये वीडियो कम से कम 4 बार अपलोड करने का टाइम क्या हुआ, एक छोटा ये अपलोड करने के लिए मेरा 3-4 बार डिस्कनेक्ट हुआ, हुआ नहीं, कम से कम 1 वीक लग गया मुझे इसको अपलोड करने के लिए, तभी माँ से प्रार्थना किया, तो इसमें से कुछ चीज़ को हटाना पड़ा मुझे। चीज़ ये था कि एक ऐसा था, एक जागरण प्रक्रिया था, जो जागरण प्रक्रिया करने के बाद तो एक चीज़ को हटाना पड़ा, इसलिए हटाना पड़ा, उसमें एक प्रयोग था। वो प्रयोग ऐसा था कि जिस चीज़ को करने के बाद एक छोटा सा, मतलब उसी के बाद लास्ट दिन में एक प्रयोग था, वो क्या होता है कि वो चीज़ कर देने के बाद ना, वो कोई भी आपको जान से नुकसान, मतलब आपका जहाँ पे जान माल सब कुछ नुकसान है, कोई आपका पीछे दुश्मन लगा है ना, तो वो दुश्मन का क्या होगा, ये मतलब बोलना ही सही नहीं है, ठीक है। ये बहुत भयंकर था वो प्रयोग, तो उस चीज़ को शायद माँ की इच्छा नहीं था, उस चीज़ को जब मैंने हटाया, हटाने के बाद मेरा सब कुछ सही हुआ। हो सकता है ये मेरा ओनली एक साइकोलॉजिकल व्यू है कि मुझे लगता है, लेकिन हुआ मेरे साथ ऐसा, हुआ 3-4 बार सेम, तो मुझे लगा कि शायद इस चीज़ को माँ देना नहीं चाहते। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा देखा कि ऐसा ऐसा किस तरह से किया जा सकता है, तो उसके बाद मैंने उसको अपलोड किया, करने के बाद हुआ, ठीक है। शायद कुछ एडवर्टाइज में डेड आ गया था, कोई साइड स्क्रीन से साउंड सुनाई दिया होगा आपको, इसलिए माफ़ी। कुछ ऐसा रहता है, आप उसका निकल आता है, कुछ ट्रेडिंग्स वगैरह का कुछ आ गया था, तो ये है। तो पहले मुझे लगता है आपका जवाब मैंने अच्छी तरह से दे दिया है। और दूसरा अभी एक और एक क्वेश्चन था, उसको बोलना भी ज़रूरी है। सिद्ध कुंजी का मंत्र जो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र जाप करने के बाद, क्या जो मार्केश ग्रह हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगते हैं? यानी किसी का पूछना ये था, एक भाई का, कि उसमें जो लगा है भ्राम भ्रीम भ्रोम ऐसे करके प्राम प्रीम क्रांग क्रीम क्रूम, बोलते हैं कि मंगल या राहु का कोई मारक हो जाएगा। नहीं, आप उस चीज़ को समझे नहीं ठीक से। देखिए उनका मतलब डायरेक्ट ये है कि जिसमें वो बीज मंत्र लगा है वो तो ग्रहों का रिलेटेड बीज मंत्र है, तो उसमें से आप अगर किसी को सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करते हैं तो वो क्या होता है कि आप हम अब जो मारक मार्केश ग्रह हैं वो ज़्यादा उग्र हो जाएंगे और आपको ज़्यादा पीड़ा देने लगेंगे। ये बहुत बड़ा अध्याय है, क्योंकि मार्केश ग्रह का कैसा काम होता है और कुंडली में किस तरह से इम्पैक्ट छोड़ते हैं, ये मैं आपको एक दूसरे वीडियो बना के बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल इसका एक छोटे से बात बोल देता हूँ। देखिए आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र
किस संकल्प लेके पाठ करते हैं ये सबसे बड़ा महत्व है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अगर आप पानी हाथ में जल लेके ये संकल्प लेके पढ़ रहे हैं कि मेरे माँ, क्योंकि ये एक स्तोत्र है, सभी का कुंजी है, ठीक है, मतलब ये सारे दरवाजे खोल जाते हैं इसमें, ये छोटी चीज़ नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप इतने बड़े बड़े जो है चीज़ को कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से जो गुरुमुख से निकल रहा है, जो जिस तरह से बताए जा रहे हैं, बहुत सारे सिद्ध कुंजी के बारे में वीडियो है, उसमें से जो जो जैसे बता रहे हैं, जैसे विधान बता रहे हैं, उसी हिसाब से करो। आप क्या करते हो, कोई आपको कुछ हवन करने के लिए बोलता है, कोई जाप करने, आप वो करने के बाद चार पाँच चीज़ ऐड कर देते हो, कोई बलि चढ़ा देते हो, कोई ऐसा जो भी कुछ काट के बलि चढ़ा देते हो, नींबू वगैरह ये सब, ऐसा नहीं होता है, आपको समझना चाहिए। और अगर ग्रहों की बात मान रहे हो, अगर आप देवी माँ को ये प्रार्थना कर रहे हो कि हे देवी मुझे आपकी आशीर्वाद प्राप्त करना है और मेरे जीवन में कल्याण करो, तो आपने अच्छी तरह से दिख रहा होगा आपको कि उधर लिखा है भ्राम भ्रीम भूम भैरवी भद्रे, ठीक है, तो वो भैरवी माता भैरवी का भी, जो माता भैरवी का जो है उसी मंत्र के माध्यम से माता भैरवी तक वो सिग्नल जा रहा है। सिग्नल मतलब वो कोई ऐसा सिग्नल है, सिग्नल मतलब आपका एक लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है जिसमें आप माता को प्रार्थना कर रहा हो। ऐसे राहु का जो भ्राम भ्रीम भ्रम सो राहु नमः भ्राम भ्रीम भ्रम सो, ऐसा नहीं है ये राहु। देखिए उसमें जो बीज मंत्र जिसी को नाम से जुड़ जाता है वही होता है। ऐसा होता है बोलेंगे क्यों आपने ये पूछा कि क्रांग क्रिंग, आपने क्यों क्रांग क्रिंग करो काली का, तो उसमें है देखिए वो काली माता को तरफ वो चीज जा रहा है। तो इसमें इसे सिंपल लॉजिक है। अगर कोई देखिए उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए, आप अच्छी तरह से इसको सामान्य चीज़ है तो ये चीज़ को समझ लीजिए आप कि वो कालिका देवी को रेफर हो रहा है, जो है उनको समर्पित हो रहा है। तो इसमें से जो ऊर्जा है वो पूरा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में बहुत सारे बीज मंत्र है। तो किसी को बोलेगा कि ये माया बीज है, ये बीज है, वो बीज है, बीज तो है, आप कर रहे हैं मतलब आपको तो पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, आप तो देखिए कोई भी साधक इतना तो मूर्ख नहीं है कि जो है मूर्ख है कि कोई भी साधना कहीं भी मिलता है उठा के कर लेता है, तो मूर्ख है मैं तो बोलूँगा, क्योंकि मूर्खता ही है। क्योंकि मैंने भी मूर्खा में किया था एक दो बार, मैं भी मूर्ख बना था, कोई किसी बोला पाँच सैले की बात है तो मैं जॉब में भी था उसी टाइम भी करने लग गया था कुछ, तो ऐसी बात है। तो ऐसा नहीं है, आपका जो भावना रहते किस, अगर आप ग्रहों को स्थिति में ठीक करना चाहते हो तो वो मार्केश ग्रह को आप कोई बल प्रदान करता है वो नहीं है, वो मार्केश ग्रह को वो अपना जो है शांत करते हैं। मार्केश ग्रह अगर है उसका अगर आप महाविद्या साधना ठीक तरह से नहीं करोगे तो वो आपको पीड़ा हो सकता है। और मार्केश ग्रह का जो मंत्र जाप होता है ना वो सबसे भयंकर होता है, लोग समझते नहीं है। किसी को चंद्र का पीड़ा है उसको ओम लगा दिए, उसका जो है चंद्र का मंत्र लगा दिए, बृहस्पति का मंत्र बृहस्पति, अब आपका जो है बकरी हो रहा है मतलब बृहस्पति जो मार्गी नहीं है मतलब बृहस्पति का सिचुएशन खराब है तो उसको लगा दिए, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें करने से बहुत नुकसान होता है, तो ये कभी मत कीजिएगा, ठीक है। देख के जान के जिससे आप देखिए, मैं अभी तक सिद्ध कुंजिका का विधान आपको नहीं दिया हूँ इसलिए नहीं दिया हूँ कि जानता हूँ कि लोग नवरात्रि में थोड़ा उनको सभी को बड़े बड़े सिद्धि पाने की चक्कर है तो लग जाएंगे, जो कोई कुछ बोलता है वीडियो में उसको तो करते हैं बाद में चार पाँच चीज़ उसको ऐड कर देते हैं, हाँ इसमें से शत्रु चाटन हो जाएगा, शत्रु मारण, कि उसमें लिखा है ना कि मारण महनवश्यम स्तमन चरार्थक पाठ मात्रेण, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है तो सारे तो मंत्र है तो इसमें सब समझ में जाते हैं। भाई मेरी बात सुनो, मैं तीन बार एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन वो वीडियो अपलोड कर नहीं पाया, पूरा डिटेल था। तो आगे मैं एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर करने वाला हूँ कि देवी सप्तशती पाठ में जो है क्या है, उसका महत्व क्या है, क्या जो लिखा है सब कुछ पढ़ना है, क्या उसमें से कुछ चीज़ को माइनस करना है और उसके चीज़ में माइनस कुछ रिप्लेस करना है, कि हमें जो मिला है अपना गुरु आज्ञा से। देखिए मेरे जो गुरुजी हैं वो कोई अघोरी नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं है, कोई मशान के साधक नहीं है, कोई नहीं है, वो एक साधारण इंसान है, वो एक पंडित जी हैं, वो कर्मकांडविद हैं, वो बहुत बड़े बड़े जो हैं अनुष्ठान कर चुके हैं और विशेषकर वो जो है आपका जो माता के जो सप्तशती पाठ उनको मारा था साले, संपुट भी नहीं, संपुट बहुत अलग होता है, संपुट करने के लिए थोड़ा ध्यान
जो है संपुट जो भी करते हैं ना, संपुट बहुत लोग गलती करते हैं कि किसी किसी का संपुट करने के बाद उसको मानसिक विकसित हो गए, इसलिए कि उनको पता नहीं होता है मंत्रों का मीनिंग और उसका प्रोसीडर नहीं पता रहता है और वो करने लग जाते हैं मंत्र को फास्ट में और उसको श्लोक के आगे और पीछे ऐड करके। ऐसा नहीं है, उसका बहुत सारे विधान होता है। तो हमें भी गुरु जी परमिशन नहीं दे कि आप संपुट पढ़ो, बोले कि आप इसको करते करते थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन जब हो जाए आप उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद उसको शोध करो, करने के बाद उसको करो तुम, ठीक है। तो पहले तो मैं बिना संकल्प का सप्त सप्ति पढ़ता गया, बाद में धीरे धीरे उसका ऊपर मेरा जब पकड़ आया तो हुआ। बहुत सारे ऐसा है, कोई छोटा चीज़ नहीं है कि आप उसको अच्छी ऐसे आराम से नहीं। देखो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, डराने की बात नहीं है, साधना है, सभी करेंगे, सभी का ज्ञान। देखो भाई, सभी से सीखो, सभी को कुछ मत बोलो। कोई अगर तुम्हें गाली भी देता है, कोई बोल रहा है कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा ये साधना गलत है, वो गलत है, उसके बात को सुनो। हो सकता है उसका गाली में भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वरदान छुपा हो, बहुत अच्छा वरदान छुपा उसको गाली में, ठीक है, बहुत अच्छा वरदान छुपा। क्योंकि देखिए वो गाली देते हैं किस लिए, भलाई के लिए बोलते होंगे। हाँ ठीक है, कोई तुम्हें खींच रहा है, मतलब तुमको कोई बोल रहा है कि तुम्हारा चैनल में ऐसा वीडियो आ रहा है, वैसा वीडियो आ रहा है, तो इसका मतलब आप थोड़ा आप जा रहे हो, आप सही कर रहे हो। आपको वो तो गलत, मतलब देखो वो बार बार आपको जानबूझकर गलत बोल रहा है तो उसका मतलब आप सही कर रहे हो। तो सही कर रहे हो मतलब आपको उस चीज़ को देखना है, भाई सच में कोई मेरे से गलती तो नहीं हो रहा है ना, और भाई तो शायद ऐसा नहीं कि आप वो कुछ बोले आप उनको भी बोलने लग जाओ, ये कोई साधक का परिचय नहीं है। तो जो बोल रहा है, जो कुछ बोल रहा है, जिसको सीखना नहीं है, जिस चीज़ के बारे में खाली उसको साधना को नहीं करना है, तो ऐसा है। तो अब कुंजिका स्तोत्र के बारे में आपको समझ में गया हो कि इसमें आपको संकल्प ही सबसे बड़ा विधान होता है, जिस तरह से संकल्प उसी तरह से फल होता है, ठीक है। इसीलिए बोला है कि उसमें न्यास सुक्त वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उसमें एक भाव का जरूरत है, जो भाव जनित संकल्प होता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा जो करके विधि विधान के साथ संकल्प करो, तो यह है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास अगर देने लग जाऊं तो ये मेरा पूरा ज़िंदगी चला जाएगा, ठीक है, उसका आंसर दे नहीं पाऊंगा। एक भाई पूछे थे कि शिव और शक्ति में बड़ा कौन है। भाई देखो, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, सच बात बोलता हूं मैं। शिव और शक्ति में बड़ा कौन है, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जब शक्ति को पूछता हूँ तो शिव मिलते हैं, जब शिव को पूछता हूँ तो शक्ति मिलते हैं, जब दोनों को पूछता हूँ तो सारे दुनिया मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे कुछ मैं बोल नहीं पाऊँगा भाई, जिसका जो वो बड़े साधक हैं, जो गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु हैं, गुरुतुल्य हैं और घोर साधना करते हैं, तांत्रिक साधना करते हैं, जो शिव जी को बहुत अच्छी तरह से महसूस किए हैं, बरसों से साधना करते हैं, बहुत जो चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हैं, ठीक है, किसी भी पंथ से हैं, भाई उनके पास ये आंसर है तो मुझे मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि मैं इस आंसर अगर मेरे पास होता भी तो ये इसका जवाब मैं नहीं देता, क्योंकि मुझे बार बार और दो तीन भाई का भी मेल हुआ था कि आप शक्ति साधक हो या शिव साधक हो। अजीब बात है भाई, बिना शिव का कृपा मैं शक्ति साधक कैसे बन सकता हूँ। शक्ति साधक नहीं, शक्ति का सेवक। शक्ति साधक बहुत अलग होता है, शक्ति साधक जो होते हैं ना उनका 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 अंदर क्या होता है, मैं सेवक हूँ, जिस दिन साधक बन जाऊँगा आपको बोल दूँगा कि अभी मैं साधक हो गया, ठीक है। शक्ति साधना बहुत अलग बात है, शक्ति सेवा करना बहुत, साधना के माध्यम से सेवा होता है, समझ गए ना आप, साधना के माध्यम से सेवा होता है। ऐसा नहीं, जो प्रपोर साधना तांत्रिक क्रियाएं होते हैं, देखिए आजकल लोग उल्टा उल्टा बोल के सब तंत्र को ऐसा फैला रहे हैं कि तंत्र गलत है, कोई भी कोई अघोरी कोई साधना दे रहा है तो उसको गाली दे रहे हैं, ऐसा है वैसा है। भाई तुम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तुमको तो ज्ञान मिल रहा है ना, चाहे वो किसी भी पंथ से हो, चाहे ऐसा भी हो। आपको पता है मैं बहुत कुछ सीखा हूँ यूट्यूब से, किसी को कॉपी नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीखा हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में जब दिक्कत था यूट्यूब से भी मैं बहुत सीखा हूँ, संपर्क किया, उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया है, मैं बोल रहे कि आप इस तरह से करो, आगे बढ़ो। उन कोई किसी को पैर खींचेगा नहीं भाई, इधर सभी के पास अपना अपना काम है, जिसके पास काम नहीं हो किसी दूसरे का पैर खींचेगा, है ना। तो इसलिए आप साधना करते जाइए, आप क्वेश्चन अगर पूछने लग जाएंगे ना आपको बहुत उलझन में उलझ जाएंगे आप। देखिए शिव शक्ति में कौन बड़ा है इसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता। जहाँ पे देखता हूँ शिव जी को उधर ही माँ मिलते हैं, जहाँ माँ मिलते हैं उधर ही शिव जी मिलते हैं, ठीक है, शिव और शक्ति दोनों मुझे मिलते हैं। तो इसलिए मैं कुछ आपको बोल नहीं पाऊँगा, इसके आंसर मेरे पास नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा। अगर कोई देना चाहता है शिव बड़े में, तो उनको बोल दिया कि शिव में शक्ति है, शक्ति में शिव है, तो दोनों के अंदर कंपेयर करना एक मेरे लिए तो एक भाई मेरे में इतना नहीं है किसी को बड़ा किसी को छोटा बोलने का, ठीक है ना। तो माफ़ कीजिएगा बंधु, क्योंकि उसका आंसर मैं नहीं दे सकता। तो जो भी है,
मुझे लगता है मैंने आपके सारे सवाल का जवाब दिया है। तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गया हैगा, मेरा त्रुटि का जो त्रुटि का मार्जन कीजिएगा और मुझे बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। मैं यू ऑल आर वेलकम, ठीक है। कोई भी इंसान, कोई बड़ा साधक है, कोई गुरु है, कोई भी है, वो मेरे को सुन रहे हैं तो मुझे इमिडिएटली पोस्ट करें कि आप ये गलत बोल रहे हो। मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करूँगा, उनको एक्सेप्ट करूँगा कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मुझे सुधरना है, मुझे सीखना है। मैं ये चैनल से बहुत कुछ सीखा हूँ। एक महीने के अंदर अंदर कम से कम 7 या 8 मेरे ऐसे गलत फहमी थे जो दूर हुए हैं आपके क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। जय शंकर।